प्रिय बंधु, जय भीम जय भारतम बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा का हिंदी अनुवाद, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसके अनुवादक है भद्दंतानंद कोसलायन, इसकी 22वीं कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली कड़ी में मैंने गलती से बोला था 22वीं कड़ी, वह 22वीं नहीं है, 21वीं कड़ी है, यही 22वीं कड़ी है। इससे पहले के एक से लेकर 21 तक के भाग आप YouTube पर सुन सकते हैं और आप बहुत पुस्तकें मुझसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यदि आप कुछ पैसे भेंट करें, अगर दान दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी फ़िलहाल एक इंग्लिश फिल्म भी बना रहा हूँ जो कि बुद्ध की टीचिंग्स पर है, आम जिंदगी के ऊपर है, एनिमेटेड फिल्म है, परंतु उसमें एक बौद्ध धर्म की शिक्षा हमें मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे मेरे भाई हैं एक, उन्होंने कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले एक प्रश्न किया कि तुम बुद्ध धर्म के और गौतम बुद्ध के इतना ज़्यादा क्यों फॉलोअर बन गए हो, इतना क्यों उनको। अनेक कारण हैं इसके, परंतु यदि मुख्य रूप से जो कारण देखा जाए तो पहला कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो काम है बौद्ध धर्म का, जो उन्होंने अपने अंतिम समय में शुरू किया, उसे पूरा करना। दूसरा कारण, प्रत्येक मनुष्य की तरह मुझे भी, मेरी भी जो आध्यात्मिक भूख है, मेरी भी जो आध्यात्मिक चाह है, जो मेरे अब तक के अनुभव रहे अध्यात्म से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए, मैंने ये पाया बौद्ध धर्म के अध्ययन पर कि ये सब मेरी जो आध्यात्मिक भूख है वो बुद्ध के बताए धर्म से, बुद्ध के बताए धर्म से पूरी हो जाती है। मैं साधना या कहें ध्यान तो काफ़ी सालों से करता हुआ आ रहा हूँ, पिछले 12-15 सालों से, और इस तरह से मैंने जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखा परखा और गहराई से अनुभव किया और गहराई से समझने की कोशिश करी। मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, फिल्म में कार हूँ और अभी विधि लॉ का छात्र भी हूँ, ख़त्म हो जाएगा अगले साल लॉ की डिग्री भी। तो इतने अनुभव के बाद, जीवन को करीब से देखने के बाद, मुझे जब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, कुछ बातें जो मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर उन्हें छोड़ दूँ तो मुझे बुद्ध के धर्म के अंदर बहुत ही अच्छाई नज़र आई, और शायद यही कारण है कि वह इतने विश्व में फैला हुआ है, और यही कारण है कि मैं क्यों बौद्ध धर्म की तरफ बड़ा प्रेरित हुआ। गर्व के भी कुछ विषय हैं, हमारे भारत का धर्म है, भारत की ज़मीन से निकला धर्म है, भारत से पूरे विश्व में फैला धर्म है, तो और कुछ खान पान की भी इसमें, खान की पान की नहीं, खान की कोई मनाही नहीं है, हाँ करुणा मैत्री आपको जानवरों के प्रति रखने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से मुझे बहुत धर्म बहुत अच्छा लगता है और मुझे बुद्ध के विचार अच्छे लगते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं ये पढ़ता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। ये एक सत्य है कि मुझे ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, हालांकि मैं दोबारा सुनता नहीं हूँ, शायद कई साल बाद सुनूंगा, लेकिन मुझे इसको पढ़ने के बाद बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, बहुत सी बातें समझने को मिलती है, और गहराई से धर्म को विश्लेषण करने का मुझे एक मौका मिलता है। और पता नहीं क्यों यह पढ़कर मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ,
और यह भी एक तरह का धर्म का दान माना जाता है। धर्म दान श्रेष्ठ दान में आता है कि यदि आप किसी को धर्म की शिक्षा दे देते हो तो वह सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक दान आता है। तो मुझे लगता है कि उस दान का भी मुझे कहीं ना कहीं फल भी मिलता है, इसीलिए मैं बनाता हूँ। और एक कार्य जो हाथ में ले लो उसे अंत तक पूरा करना चाहिए। 1 साल पहले से ज़्यादा बनाना शुरू किया था, 14 भाग बनाए, यूट्यूब पे डाले। एक एक भाग को डालने में कई बार 24 24 घंटे लगते हैं। कंप्यूटर ख़राब हो गया, स्क्रीन ख़राब हो गई, कीपैड ख़राब हो गया, उसके लिए स्पेशल AC का प्रबंध किया, कैमरा ख़राब हो गया, कैमरा रिपेयर कराया। तो इस तरह से बगैर किसी के फाइनेंस के, बगैर किसी एड के, सिर्फ एक अपने उत्साह की वजह से, बाबा साहब के वजह से, उनके जो काम है उनसे प्रेरित होकर, और बहुत धर्म की जो खूबसूरती है उसको समझकर मैं ये बनाता हूँ। घर वाले भी परेशान होते हैं, रात में रिकॉर्डिंग करनी होती है, अभी भी आवाज़ आ रही है, वे लोग जाग जाते हैं जब आवाज़ जाती है तो, परंतु सब मिलके इन कार्य को पूरा करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी लोगों को यह पसंद आएगा। तो काफ़ी कुछ हो गया, तो आज खंड तीसरा शुरू कर रहे हैं। पहले के खंड दो आप देख सकते हैं। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? पहला भाग, धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। 1, बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। ईसाई ने ईसाइत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने ईसाइत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुद का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुद अर्थात ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात अर्थात मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार करें। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्तें स्वीकार करते हैं। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवा कर अपने लिए इस्लाम में एक विशेष स्थान बना लिया। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसा ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। उन्होंने स्वयं को शुद्धोदन और महामाया का स्वाभाविक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। अभी एक टीवी सीरियल शुरू हुआ, ZTV और दूरदर्शन दोनों पे आ रहा है और बुद्ध के ऊपर है, और पिछले हफ्ते ही वह आया है। और उसमें शुरुआत में ऐसा बताया गया कि बुद्ध जो है वो राम और लक्ष्मण और विष्णु से, उनके अवतार से या उनके जैसे बना दिए। यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि बुद्ध ने तो कभी कोई दावा किया ही नहीं। और आप भी यह बुक सुन रहे हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बुक है बौद्ध धर्म की। मेरे को तो, मैं भी इस बुक को दोबारा पढ़ रहा हूँ, शायद इसमें कहीं पर भी राम और कृष्ण और विष्णु का तो कोई जिक्र ही नहीं है। पता नहीं वो टीवी चैनल वालों को कहाँ से ऐसी मनगढ़ंत खबरें मिल गई। उन्होंने स्वयं को शुद्धोदन और महामाया का स्वाभाविक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान नहीं बनाया। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह होते हुए भी हमें
बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संघ थी, अर्थात कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस या बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उस संगति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, आनंद उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु में ही थे। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध प्रायः हर जगह मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहे, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए प्रायः हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराएं और तब संगीति कारकों से पूछें कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय को दोहराएं और तब संगीति कारकों से यह पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वहाँ संगति में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताए। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही तो ऐसे विषय है जिनसे संघ को सरोकार है। विनय मतलब जो रूल्स हैं, संघ के जो रूल होते हैं, मॉन्क के रूल होते हैं, उपासक के रूल, विनय बेसिकली संघ के रूल जो होते हैं वो है, भिक्खु के जो रूल होते हैं, किसे उसको जीवन जीना। 220 रूल आते हैं, 220 जो है वो रूल हैं विनय के, थेरवाद श्रीलंका या थेरवाद से संबंधित है, और 220 से ज़्यादा है महायान से संबंधित। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, आप थेरवाद और महायान को, हीनयान और महायान को अलग अलग ना देखें। महायान में भी वही संघ अभी तक भी चल रहा है, उसी तरह से संघ चल रहा है। और मैंने जो अभी बनते भिक्खु संरक्षिता जी की पुस्तक सर्वे ऑफ बुद्धिज्म पढ़ी है, सुन रहा हूँ, ऑडियो बुक है, नेट पे अवेलेबल है, आप भी सुन सकते हैं buddhistaudio.org के ऊपर। उसके हिसाब से जो महायान है आप उसको एक एक्सपेंशन देखिए थेरवाद का या कहीं हीनयान का। महायान के अंदर रूल ज़्यादा हैं, और महायान के जो भिक्खु हैं उन्होंने बिल्कुल वैसे ही संघ को रखा हुआ है जैसे बुद्ध के समय में था। तिब्बत है हमारा, महायान जापानी है, जापनीज है, कोरियन है, यहाँ तक कि हीनयान में भिक्खु शादी भी करने लग गए, जो कि नहीं कर सकता एक भिक्खु, परंतु महायान में इसको वैसे ही रखा गया है। खास करके जो मुनि जो बनते हैं वह तो महायान के ही, जो हमारे बुद्धिस्ट हैं वही मुनि की परंपरा पे अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि शाक्य मुनि बुद्धा, तो गौतम बुद्धा को शाक्य मुनि गौतम बुद्धा ऐसे कहा जाता था, अर्थात गौतम भी मुनि थे, मुनि जो कि एकांत में जाकर साधना करते उन्हें मुनि कहा जाता है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग रहे, उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक और उदाहरण है उनके द्वारा अपना उत्तराधिकार बनाना अस्वीकार करना। दो या तीन बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था, धम्म ही स्वयं का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। यदि धर्म की निष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रखते रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं है। अपने धर्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। देखिए यहाँ पर मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, यहाँ पर बुद्ध को भगवान बोला गया, भगवान एक संबोधन है। लेकिन
बुध क्या है उसको भी समझना जरूरी है। आप पिछले वीडियो एक बार जरूर सुनिएगा। बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता अर्थात ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन ही किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक खोज अर्थात डिस्कवरी है, इसलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों अर्थात इंस्टिंक्ट्स को लेकर आदमी ने जन्म लिया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है जो मानव के हित में नहीं है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है, भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला है। भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगल्लान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध सावत्थी में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे, तब भगवान मोगल्लन गणक तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मोगल्लान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। श्रवण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार श्रवण गौतम जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुँचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक दूनी दो तीन तिया चौके चार और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, आप क्या आप के लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व शिक्षक को ही ले लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार है ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आवस शीलवान बनो, पति मुख के नियम का पालन करो, सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिक्षित बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रवण, आओ आँख से किसी रूप को देखकर उसके
सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त ना हो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती है। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो। रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जीवा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रमण आओ, भोजन के विषय में मातृज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। ब्राह्मण जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं। श्रमण आओ, जागरूकता अर्थात सती का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठते हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठते हुए ऐसा ही करो। रात में दूसरे पहर में सिंह शैया से दाहिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमात्रत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्तमलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रमण आओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर को लेते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। ब्राह्मण जब वह स्वसंयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वस्तु हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वह वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यान का अभ्यास करता है। ब्राह्मण सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही परीक्षण क्रम है। लेकिन जो अर्हत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त है, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वयं के लिए ये बातें सहायक हैं। जब यह कहा जाता है तब ब्राह्मण मोगलन गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रहते हैं? ब्राह्मण, मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रवक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है, यहाँ श्रमण गौतम जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ।
अब कोई एक ऐसा आदमी आता है, अब कोई एक आदमी आता है जो राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है। पूर्व की बजाय वह पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है। तुम उसे भी ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुँच जाता है। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण मैं भी इस विषय मैं क्या करता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देने वाला है, रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख नरक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण, और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे धम्म में मुक्ति या आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है? बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धर्म आदमी के लिए एक प्रकार एक आदमी के लिए उनका धर्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षा भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं भी ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी भी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना भर था कि वह भी मनुष्यों में से एक है और लोगों के लिए उसका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को भी इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करें जो इनमें है। किसी भी दूसरे धर्म के संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी। यहाँ यह समाप्त होता है। अगला दूसरा भाग खंड 3 का भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग विचार, दूसरों ने उनके धर्म उपदेश को किस प्रकार समझा, पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बुद्ध ने जैसे यह जो पुस्तक लिखी गई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि बुद्ध ने नरक या स्वर्ग में ले जाने वाला अपने आप को नहीं बताया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नरक और स्वर्ग की संज्ञा बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में नरक और स्वर्गों के बारे में है। इसको आप माने चाहे ना माने, परंतु ऐसा है। इसके लिए मैंने एक पुस्तक और एक पुस्तक है बुद्धिस्ट पुस्तक है 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर 31 तरह के जो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जहाँ जीवन होता है या किस तरह का होता है, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में, उसका विवरण है। इंग्लिश में यह पुस्तक है, परंतु यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध, यहाँ समझिए, बुद्ध ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग और नरक नहीं है। जो इस पुस्तक जो यह है, एक बुद्धिस्ट कई बहुत ये ले जाते हैं कि स्वर्ग या नरक, मैं भी पहले यही सोचता था, परंतु बौद्ध ग्रंथों में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया और लिखा गया है। मैंने खुद धम्मपद में पढ़ा है। तो पर बुद्ध यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ले जाने वाला वहाँ नहीं हूँ, यह इस बात को है। और एक आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को हम और समझेंगे गहराई से, जब हम जय भारत होता है।